एशियानी सौथी मोटी बनासडेरी इतिहास में नवो अध्याय सामे आव्यो छे। बनासडेरीए गर्भ प्रत्यारोपण पद्धति कर्यो शुभारंभ। देशी कांकरेची गाय में गर्भ प्रत्यारोपण शुरुआत करी छे। हवे कांकरेची गाय साचा अर्थ में कामधेनु साबित थशे। बनासडेरीए भारत में सौ प्रथमवार देशी गायोनी औलाद सुधारवा माटे गर्भ प्रत्यारोपण पद्धति एटले के एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्रारंभ कर्यो छे। दियोदरना रैया पशु सुधारणा फार्म खाते थी शंकरभाई चौधरी और बनासडेरीना नियामक मंडल की उपस्थिति में आ पद्धति प्रारंभ थयो। वधु दूध आपती कांकरेची नदीना बीज साथ फलिनीकरण करे लेबोरेटरी में गर्भ तैयार कराए छे। जेने ओछू दूध आपती गायना गर्भ में वैज्ञानिक ढबे प्रत्यारोपण करवामां आवे छे। जेथी दैनिक 25 लीटर दूध आपती कांकरेची गायनी वाछड़ीओ तैयार करवा माटे पण आ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट साबित थशे। एक पर केटल प्रोडक्टिविटी वधे दूध में ते माटे एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट आ टेक्नोलॉजी मध्यम थी जे वधारे दूध आपती गाय छे तेनी एम्ब्रियो ने अन्य गायना गर्भ में प्रत्यारोपण करी अने तेनी जे वासडी आवे ते पण वधारे दूध आपती आवे ए प्रमाणे एक मास बदलाव आवी शके एवं आ काम छे। तेनी शुरुआत कांकरेची देशी गाय छे तेनी अंदर भारत में पहली वक्त आ प्रमाणनो प्रयोग ए बनासडेरीना माध्यम थी अमे करवा माटे आगळ वधी रह्या छीए। आ टेक्नोलॉजीनो अमने सहयोग भारत सरकारनी NDDB द्वारा सारी रीते अमने टेक्नोलॉजीनो सहयोग पण मळ्यो छे। हमारे पास जो गाय है वो दो तरीके होती है, एक बहुत अच्छा दूध दे सकती है, एक बहुत कम दूध देती है। अब किसान को क्या चाहिए कि बहुत ज़्यादा दूध देने वाली गाय चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कम दूध देने वाली गाय है उसको सरोगेट मदर की तरह यूज़ कर सकते हैं और जो अच्छी दूध देने वाली है उसको डोनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। डोनर से हम अंडाणु निकालते हैं, निकालने के बाद उसको 7 दिन तक हम लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद जो सरोगेट मदर जो कम दूध देने वाली गाय है उसमें उसको डालते हैं, तो जो बच्चा गर्भ प्रत्यारोपण जो बोलते हैं वो करते हैं। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो बच्चे पैदा होंगे, सपोज़ कोई गाय आज 2 लीटर दूध दे रही है उसमें मैं 24-25 लीटर का भी बच्चा डाल सकता हूँ, और तो जो बच्चा होगा वो 24-25 लीटर देने वाला क्षमता वाली बच्ची बछिया जो पैदे होगी वो हो सकता है। तो क्या होगा कि 1-2 लीटर से अगर मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करूँ या नेचुरल सर्विस करूँ तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से एक जनरेशन में जितना इम्प्रूव कर सकता हूँ इसमें ड्रास्टिकली 7-8 जनरेशन वाला जो इम्प्रूवमेंट मैं एक ही जनरेशन में तुरंत ला सकता हूँ। एक अच्छी वाली गाय है उसका भ्रूण अगर जो सरोगेट माता जो कम दूध देने वाली उसमें डालूँ।